तो ब्लॉक एंड बाउंसिंग बॉल, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको मैंने आपको प्रिंट दिखा दिया होगा, इमेज आपने देखा होगा। ब्लॉक एंड बाउंसिंग बॉल, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन नंबर वीक ऑफ द 19 का ये क्वेश्चन है, और बहुत ही डिफ़िकल्ट बोल सकता हूँ इसको, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड होकर। मतलब ऐसा कि एक बार दिमाग को डिस्टर्ब कर दे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें। इसमें कह रहा है कि अ ब्लॉक विद द लार्ज मास कैपिटल एम, इसका मास कैपिटल एम है, स्लाइड विद द वेलोसिटी वी नॉट एंड फ्रिक्शनली स्टेबल टुवर्ड द वॉल, ये वॉल है, इट क्लाइड इलास्टिकली विद अ स्मॉल बॉल ऑफ स्मॉल मास एम, इसका मास स्मॉल एम है, उसी टकराता है। और क्वेश्चन है मेंशन कि कैपिटल एम ग्रेटर देन स्मॉल एम है, देखिए मेंशन विच इनिशियली एट रेस्ट एट डिस्टेंस एल फ्रॉम द वॉल, ये दूरी एल है, द बॉल इज स्लाइड टुवर्ड द वॉल, ये बॉल इसकी तरफ स्लाइड करेगा जब इसे टकराएगा, एंड बाउंस इलास्टिकली, और इससे इलास्टिकली बाउंस होगा, एंड प्रोसेस टू बाउंस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द वॉल एंड ब्लॉक एंड द वॉल, ये पार्ट, हाउ क्लोज डज द ब्लॉक कम टू द वॉल, कह रहा है कि ये जो मास है बहुत ही ज़्यादा है, और ये पॉइंट मास है, इसका मास स्मॉल एम है और इसका मास इससे बहुत ज़्यादा है, और ये वी नॉट की स्पीड से इससे इलास्टिकली टकराएगा, तो फिर ये भागेगा, फिर इससे टकराएगा, फिर लौट गएगा, फिर से टकराएगा, फिर ऐसे भागेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इसके और इस वॉल के बीच की मिनिमम दूरी कितनी होगी थ्रू आउट द मोशन। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में कि ये जो ब्लॉक है इसकी स्पीड वी नॉट है, जो कि कुछ समय बाद इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये वापस लौट आएगा। तो पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच की मिनिमम दूरी कितनी होगी। अच्छा, इतने आराम से तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन सेंटर ऑफ मास जब हम लोग पढ़ाते हैं और कहते हैं कि एक हैवी मास जब स्मॉलर ब्लॉक से टकराता है तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, ये तो बोल तो देते हैं हम लोग। तो फिर इस क्वेश्चन में ये क्यों पूछ रहा है कि अगर इसकी वेलोसिटी में नहीं चेंज होता है तो बताइए मिनिमम कितनी दूरी होगी इसके बीच में। तब तो हम बोल देंगे जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज ही नहीं होगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसे टकरा जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें एक सर्टेन मिनिमम दूरी आती है कैलकुलेट करके, इसीलिए तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और अभी ये सोचना बाकी है कि ऐसा क्या है कि ये कंडीशन होने के बाद भी ये वाला ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो की लौट आया। ये तो फिर भी ये पार्ट इजी क्वेश्चन है, इसका जो बी पार्ट है, हाउ मेनी टाइम्स डज द बॉल बाउंस अप द ब्लॉक बाय द टाइम द ब्लॉक मेक इट क्लोजेस्ट अप्रोच टू द वॉल, जब ये मिनिमम दूरी जा रहा है तो उस समय तक ये कितना चक्कर लगा ले रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो फिलहाल टाइम कम है इसलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बेसिकली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हमें यही सोचना बाकी है कि जब ये वाला ब्लॉक इस वाले से टकरा रहा होगा तो ऐसा क्या हुआ कि ये वापस रिटर्न होकर रास्ते में कुछ समय तक चला, उसके बाद स्पीड जीरो की फिर लौट आया, ऐसा क्या हुआ? अगर इसको आपको समझना है कि ऐसा क्या हुआ, तो सबसे पहले हुआ क्या होगा, एक्चुअल में जब ये इससे टकराएगा, अब सही समझना पड़ेगा, जब ये इससे पहली बार टकराएगा तो इसको वेलोसिटी आगे मिलेगी, इसकी वेलोसिटी वी नॉट तो होगी बट वी नॉट से थोड़ी सी कम होगी, वो डी वी के बराबर कम होगी, एग्जैक्ट वी नॉट के बराबर नहीं रहता, हम लोग मान तो लेते हैं कि वेलोसिटी वी नॉट के बराबर रहेगी, लेकिन एक्चुअल में वी नॉट से थोड़ी सी कम वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट वी नॉट होती है, नहीं एग्जैक्ट वी नॉट के बराबर होती है। तो क्या होगा कि जब ये इसे टकराएगा तो इस पे n ऐसे लगाएगा और इस पे n ऐसे लगाएगा, तो ये वाला n इम्पल्सिव फोर्स इसके वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, बट बहुत कम, बहुत ही स्लाइड कम करेगा, जिसकी फिर से वी नॉट ही रह गई, फिर ये इधर जाएगा, फिर आके इसे टकराएगा, फिर इसकी वेलोसिटी कम करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर से टकराएगा, फिर से टकराएगा, फिर से टकराएगा, इसको जब आगे बढ़ता रहेगा तो ये वाला पार्टिकल बार बार नहीं इसे टकराता रह रहा है, बार बार टकरा रहा है, तो बार बार के टक्कर में इसकी वेलोसिटी अगर डी वी के बराबर, डी वी के बराबर, डी वी के बराबर, डी वी के बराबर हमेशा घटता जाए, हमेशा घटता जाए, अगर हमेशा डी वी घटे तो डी वी का समेशन जब करोगे ना, डी वी का समेशन करोगे तो ये भी एक फाइनाइट रिजल्ट दे देगा, मतलब हल्का हल्का कम जोड़ते जाओगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी घट के जीरो हो जाएगी, तो सही में उसको वापस लौटना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग पढ़ाते समय कहते हैं वेलोसिटी नहीं चेंज की, क्योंकि हम लोग कोलिजन एक बार मानते हैं, अगर तुम्हें इससे कोलिजन तुम्हें बार बार मानना पड़ गया तो फिर ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी नहीं घटेगी, वेलोसिटी बहुत ही कम अमाउंट में घटेगी, लेकिन वही जब बार बार घटेगी तो घट के इसकी वेलोसिटी फाइनल जीरो भी हो सकती है। इसका मतलब कि जिस वक्त ये अपना पाथ में लौट रहा होगा उस समय
पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और उस समय इसकी पूरी पूरी कैटेगरी किसको मिल चुकी होगी, इस स्मॉल एम ब्लॉक मिल हो चुकी होगी बिकॉज ऑफ कोलिजन्स, एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से। तो मैं कह सकता हूँ कि व्हेन इट रिटर्न बैक, जब ये रिटर्न होने वाला होगा, व्हेन इट रिटर्न बैक, जब ये रिटर्न होने वाला होगा, तो इसकी पूरी की पूरी कैटेगरी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू इस पार्टिकल की कैटेगरी दिया हाफ एम वी, हाफ एम यू का स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करने के बाद यू की वैल्यू इतनी आ गई। इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है इक्वेशन कि जिस समय इस स्मॉलर ब्लॉक की स्पीड इस फॉर्मूले को गवर्न करेगा, उस समय ये जो ब्लॉक होगा बड़ा वाला वो अपने रास्ते में स्पीड जीरो पाएगा और वहाँ से लौटना शुरू करेगा। तो दिस इज कंडीशन टू रिटर्न बैक। ओके, बट अभी तो सॉल्व हुआ ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये पूछा था कि मिनिमम दूरी बताओ जब ये लौटेगा। हमने तो अभी ये सॉल्व किया है कि इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी जब ये लौटेगा, नहीं तो अभी तो मैंने क्वेश्चन लिखी है कि कंडीशन टू रिटर्न बैक, इसके बाद तो सोचना और मुश्किल है। कोई बात नहीं, फिर सोचते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, कहा कि सपोज करिए किसी टाइम पे एट टाइम टी किसी टाइम टी पे सपोज करिए ये ब्लॉक बड़ा वाला ब्लॉक यहाँ पे, इसकी स्पीड भी है, और इस स्मॉलर ब्लॉक की स्पीड मैं अपने मन से यू मान लिया। अच्छा ये यू नहीं है, इसको यू नॉट जैसा मान लो, दिस इज यू नॉट, इसको मैंने यू मान लिया। और किसी टाइम पे मान लीजिए ये दूरी क्या है, एक्स। तो टाइम टी पे कोलिजन के बाद, ये दूरी मान लीजिए एक्स बची रहती है, इस पार्टिकल के बाद स्पीड यू होती है और इसके पास स्पीड भी होती है, मैंने मान लिया। मतलब इस यहाँ पे जो कोलिजन हुआ है उसके बाद का कंडीशन है, इसे मैं लिख रहा हूँ कि एट टाइम टी आफ्टर कोलिजन। ये आफ्टर कोलिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर कोलिजन मैंने इसकी स्पीड यू मान ली, इसकी स्पीड भी मान ली, ये दूरी एक्स है। तो इसमें क्या होगा, ये दूरी तय करेगा, फिर ऐसे आएगा, और तब तक इतने टाइम में ये वाला वेज यहाँ तक आ जाएगा, ये बड़ा वाला ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा, तो कोलिजन यहाँ पर होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितना टाइम लगा दोबारा कोलाइड करने में, तो देखिए ये टी टाइम में, मान लीजिए टी टाइम ये कितना दूरी तय करेगा, तो ये दूरी तय करेगा वी टी, और उतने ही टाइम में इस पार्टिकल को यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाना है, तब तो टकराएगा, तो यहाँ से चल के यहाँ तक आना है। इसका मतलब कि कोई पूछे कि ये दूरी कितनी होगी, तो ये जो दूरी होगी वो कैसे निकलेगी, ये दूरी मान लीजिए x डैश है, तो x डैश की वैल्यू क्या लिखोगे, मतलब ये फर्स्ट कोलिजन हुआ था यहाँ पे, मान लीजिए nth कोलिजन हुआ था, यहाँ पे n प्लस वनथ कोलिजन है, तो यहाँ पे तो ये दूरी x डैश है, मतलब nth कोलिजन पे दूरी x है और n प्लस वनथ पे दूरी x डैश है, तो क्या लिखोगे, x डैश बराबर ये दूरी x में से आपको घटाना होगा, किस दूरी को, इस दूरी को भी इंटू टी दूरी घटाएंगे। चलिए एक और चीज़, अभी तक टाइम कैलकुलेट हुआ ही नहीं पाया, कोई बात नहीं, निकालते हैं टाइम कैलकुलेशन। अच्छा टी टाइम में ये दूरी बी टी तय किया, और उतने टाइम में इसको कितना दूरी तय करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये दूरी बी टी कैसे निकलेगी, ये दूरी बी टी निकलेगी, दूरी बी टी इज इक्वल टू मैं इस एक्स में से इसको घटा दूँ, तो x में से मैंने x डैश को घटा दिया, x में से x डैश घटाओगे बीटी आएगा ना, बीटी बराबर x में से x डैश घटाया, अब x डैश लिखना बाकी है, x डैश क्या होगा, अगर ये पार्टिकल u स्पीड से जाके इसे टकरा रहा है, तो टकराने के बाद तो u से ही लौटेगा, क्योंकि ये वॉल रुका हुआ है, इलास्टिकली टकराएगा u से लौटेगा। तो क्या करोगे, u इंटू यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, अच्छा यहाँ तक आने का टाइम जो है वो कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, ये पूरा टाइम टी है पार्टिकल के लिए, क्योंकि ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक टी टाइम गया, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक टी टाइम आएगा, तो यू में मुझे इस टाइम से मिलेगा पूरा, और ये टाइम कैसे निकलेगा, इस पूरे टाइम में से मुझे इस टाइम को घटाना पड़ेगा, तो ये पूरा टाइम टी है, तो टी में से मुझे घटाना पड़ेगा इस टाइम का जो इस पार्टिकल ने लगाया होगा, तो ये टाइम क्या होगा, तो ये दूरी एक्स है और स्पीड यू है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, एक्स अपान यू भी टी। अब इसको सॉल्व करते थे, देखिए मैंने यहाँ पर लिखी है एक्स माइनस एक्स डैश एक्स माइनस यू टी माइनस एक्स अपान बी भी टी बराबर दिस, एंड दिस इक्वेशन
एंड दिस इक्वेशन इज एल, वी टी बराबर दिस। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको तो आ गया टी की वैल्यू टू एक्स अपान यू प्लस वी, मतलब इतने टाइम में दोबारा कोलिजन होगा। तो टी टाइम पे कोलिजन अगर यहाँ हुआ था तो इतने टाइम बाद अगला कोलिजन होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये दूरी कितनी होगी, एक्स डैश दूरी कितनी होगी। तो एक्स डैश की दूरी कितनी होगी, एक्स माइनस बी टी, इसको मैंने पीछे के पेज पे लिख रखा है, देखिए एक्स डैश होगा एक्स डैश एक्स माइनस बी इंटू टी, और टी अभी आया था ना टू एक्स अपान यू प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे इस यू प्लस बी को इधर भेजेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये बन जाएगा, और इसको इधर भेजती है। अच्छा ये इक्वेशंस बन गया, अब इसको समझना पड़ेगा। थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको केयरफुली सोचना पड़ेगा। ये nth कोलिजन का डिस्टेंस x है और ये n प्लस वनth कोलिजन का डिस्टेंस x डैश है बचा हुआ। थिंक केयरफुली एट x डैश पे, सोचने जरा। अच्छा x डैश पे, अच्छा x डैश पे क्या होगा, x जब दूरी x डैश बचा होगा वाल से, तो ये पार्टिकल इधर u से आ रहा होगा, इधर b से जा रहा होगा, और टक्कर के बाद मान लीजिए स्पीड u डैश हो गई, बट इसका तो अनचेंज रहेगा ना, एक टक्कर में हम वेलोसिटी चेंज नहीं मानते हैं। तो ये u से इधर आ रही, u डैश इधर जाएगा, और ये तो भी रहेगा। अब यहाँ पे इस कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी सेपरेशन और वेलोसिटी अप्रोच लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच क्या होगा, u प्लस बी, और सेपरेशन क्या होगा, u डैश माइनस बी। अब जहाँ पे u प्लस बी है मैं वहाँ पे इस वैल्यू को लिख सकता हूँ, तो इस वैल्यू को उठा के मैंने इसमें प्लेस कर दिया। जब प्लेस करेंगे तो u डैश माइनस बी बनेगा इंटू एक्स डैश बराबर x इंटू यू माइनस बी। अब थोड़ा मुझे इसे सही समझना पड़ेगा, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए जब डिस्टेंस x था, जब डिस्टेंस x बचा हुआ था, तो इसकी स्पीड कितनी थी, v थी, और इसकी स्पीड कितनी थी, u थी, और ये टक्कर के बाद की स्पीड यू थी। मैंने कहा था ना आफ्टर, देखिए कहा था ना आफ्टर, आफ्टर यू था और इसका भी था। तो मैंने क्या लिखा, टी टाइम पे जब डिस्टेंस एक्स था, तो एक्स था, तो कोलिजन के तुरंत बाद इसकी स्पीड यू माइनस बी बराबर, जब अगला कोलिजन हुआ जिस समय पे डिस्टेंस एक्स था, तो एक्स डैश इंटू, और यू डैश क्या, देखिए कोलिजन के बाद, ये कोलिजन के बाद वाला है, कोलिजन के पहले वाला था, तो यू डैश माइनस बी। मतलब ये है कि कभी भी इसका कोलिजन होता है, तो कोलिजन के बाद जो दूरी बचती है उसका x इंटू पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस ब्लॉक की वेलोसिटी का जो मल्टीपल बनेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू ये x डैश पे u डैश माइनस बी है, और ये क्या है, u माइनस बी x पे है। तो ये क्वांटिटी बराबर है ना। और अगर मैं कहूँ कि अगला कोलिजन x डबल डैश हुआ, तो क्या लिखते हैं आप, x डबल डैश इंटू u डबल डैश माइनस भी, आप ये लिख सकते थे। इसका मतलब फैक्ट है कि ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा हमेशा। अगर इनवेरिएंट है दिस कांस्टेंट इनवेरिएंट, तो मैं इसको कांस्टेंट मान लिया, तो x u माइनस भी बराबर कांस्टेंट मान लिया। अब इस कांस्टेंट को निकालना था, तो ये कंडीशन इनिशियल कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा, तो इनिशियल कंडीशन पर ये तो भी रहेगा, और इसकी स्पीड u, इस u को निकालना पड़ेगा, इसके से प्लेस करना पड़ेगा। तो t बराबर जीरो पे u टू भी नॉट होगा, और ये कैसे टू भी नॉट होगा, देखिए टक्कर के पहले ये रेस्ट में था, ये बी से जा रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, बी माइनस जीरो, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, तो u माइनस, अच्छा टक्कर के पहले ये इनिशियल कंडीशंस में कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, तो टक्कर के पहले इस वॉल की स्पीड वी नॉट थी और पार्टिकल की जीरो थी, और टक्कर के बाद ये वी नॉट ही रहेगा इनिशियल कंडीशन पे, और ये u हो गई, तो वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, वी नॉट बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, u माइनस वी नॉट, तो u की वैल्यू क्या आ गई, टू वी नॉट। यानी फर्स्ट टक्कर के बाद जो u होगा वो टू वी नॉट होगा और वी नॉट होगा, और इन दोनों वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा, और x वैल्यू क्या होगी, l, क्योंकि पहले टक्कर पे तो x l है, तो x जब l प्लेस कर दिया, u के जब पे टू वी नॉट प्लस किया, और वी के जब पे वी नॉट प्लस किया, तो c की वैल्यू क्या आ गई, l वी नॉट। अब उसको उठा के मैंने इसमें प्लेस कर दिया, इसमें प्लेस कर दिया इसी क्वेश्चन में, तो x u माइनस बी बराबर सी। अब मिनिमम डिस्टेंस पे क्या था, मिनिमम डिस्टेंस पे कैपिटल बी जीरो होगा, ये इस कंडीशन से निकाला, मिनिमम डिस्टेंस पे कैपिटल बी, मिनिमम डिस्टेंस पे कैपिटल बी वी नॉट भी जीरो हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस पे कैपिटल बी जीरो हो जाएगा ना, जहाँ पे रिटर्न करने वाला होगा, तो भी जीरो हो जाएगा, और ये जो u होगा बेसिकली वो इसके बराबर हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ प्लेस किया, मिनिमम भी जीरो हो जाएगा और u इतना हो जाएगा, इसको उठा के मैंने
इसको उठा के मैंने इसी क्वेश्चन प्लेस कर दी, तो x इंटू यू कितना हो गया इतना माइनस बी जीरो, और कांस्टेंट इनवेरिएंट है वो तो यही रहेगा, सॉल्व किया तो वैल्यू आ गया इतने। तो मिनिमम दूरी क्या होगी, एल रूट स्मॉल एम अपन कैपिटल एम, वॉल से जब ये ब्लॉक रिटर्न करेगा वापस। तो देख सकते हैं कि बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली इस क्वेश्चन का यूज़ कोलिजन का क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे, और बेसिकली इस क्वेश्चन के यूज़ हम लोग ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए करते हैं। और ITJEE में 5% के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनको डील करने के लिए हम ये सब कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। ओके, थैंक यू।